हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि आप कैसे इजी तरीके से आई मेकअप को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आई मेकअप को स्टेप बाय स्टेप करना सिखाऊं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप करना सिखाऊं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप कैसे कर सकते हैं और किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है आई मेकअप करने से पहले, तो ये सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है मॉइस्चराइजर का। हम जब भी अपना फेस मेकअप करते हैं या आई मेकअप करते हैं तो हमें मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। इससे आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखता है और एक स्मूथ सा बेस तैयार हो जाता है हमारा मेकअप करने के लिए। तो इसलिए हमें मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो आई मेकअप हो या फेस मेकअप हो। तो यहां पर मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूँ मॉइस्चराइजर अपनी आईज पर। और वैसे भी हमें मॉइस्चराइजर जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी आईज के आसपास फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जितनी आपकी आईज के आसपास ड्राई स्किन होगी उतनी ज्यादा आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहां पर मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि प्लीज मेरी आईब्रोज की जो थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ नजर आ रही है तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पार्लर वगैरह अभी बंद है तो इसलिए मैंने अभी तक थ्रेडिंग नहीं करवाई है। और बहुत ज्यादा वैसे ग्रोथ नजर नहीं आ रही होगी, बहुत ही हल्की फुल्की सी है। सो बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। एक चीज और बताना चाहती हूँ, सेकंड स्टेप जब मैं यहां पर करने जा रही हूँ तो मैं इसमें ब्रश की हेल्प से करूंगी। आप चाहें तो इस मेकअप को फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन जब भी हम आई मेकअप करते हैं या फेस का मेकअप करते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है ब्रशेस। और ब्रशेस हमारे पास अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और इससे क्या होता है कि आपका मेकअप भी अच्छे से हो जाता है और इजीली आप आई शेडो को ब्लेंड भी कर पाते हो। तो ये इन चीजों में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप मेकअप ब्रशेस को परचेज करते हैं तो अच्छी क्वालिटी के ही परचेज करें। और मेरे पास जो भी मेकअप ब्रशेस हैं अच्छी क्वालिटी के हैं और इन सभी का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो प्लीज आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और सेकंड स्टेप में यहां पर मैं फिल करने जा रही हूँ अपनी आईब्रोज को इस ब्राउन कलर की पेंसिल की हेल्प से। एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपको ब्लैक कलर की पेंसिल सूट करती है आईब्रो पेंसिल, तो आप ये भी यूज कर सकते हो और ब्राउन भी यूज कर सकते हो। और अपनी आईब्रोज के शेड को कैसे चूज करें अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है गाइज। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है गाइज, थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ। आईब्रोज को फिल करने से पहले आप अपने आईब्रोज को स्पूली की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से कॉम कर लीजिए कुछ इस तरह से। और किसी भी तरह के आई मेकअप में ये सभी स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आईब्रोज फिल करने से हमारी आईज और ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और एक बार और स्पूली या ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट कर लीजिएगा ताकि ये हार्श ना दिखे। ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। अब मैं यहां पर करने जा रही हूं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम यहां पर लगाएंगे कंसीलर या फिर कलर करेक्टर। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारी आई मेकअप के लिए और हमारे आई मेकअप को और ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए। आपको नजर आ रहा होगा कि मेरी आईज पर थोड़ी बहुत आपको पिगमेंटेशन नजर आ रही होगी और लाइट से डार्क सर्कल भी, जो कि हर किसी को होते ही है लाइट से। तो ऐसे में आप इन डार्क सर्कल्स को या इन पिगमेंटेशन को कैसे कवर कर सकते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ। मैं यहां पर यूज करने जा रही हूँ मैक का कंसीलर। आप चाहें तो कोई भी कंसीलर यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का हो वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट मैं एक और चीज आपको दिखा दूं, मेरे पास ये हुडा का प्रो कंसीलर है, एचडी हाई डेफिनेशन कंसीलर है। ये कंसीलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ये कलर करेक्टर की तरह भी काम करता है और इससे डार्क सर्कल्स वगैरह पिगमेंटेशन अच्छे से हाइड हो जाती है। तो चलिए मैं इस मैक के कंसीलर को लगाने जा रही हूँ। मैंने यहां पर ये आपको एज ऑप्शन बताया, अगर आपके पास ये है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। आप इस कंसीलर को या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, या फिर आप कोई भी फ्लैट फाउंडेशन ब्रश ले लीजिए या फिर कोई भी स्मॉल फ्लैट ब्रश ले लीजिए, उससे आप अपने इस कंसीलर को ब्लेंड इजिली कर सकते हो। और
और जब भी आप कंसीलर लगाएं तो कंसीलर को कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर की हेल्प से सेट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कंसीलर हल्का सा गीला रह जाता है जिसे ड्राई करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर की जरूरत होती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप होता है, इससे क्या होता है कि आपका आई शेडो भी इजिली ब्लेंड हो जाता है और वो चिपचिपा सा नहीं लगता है आपका आई शेडो आपकी आईलिड पर। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर ले लीजिए, उससे अपने कंसीलर को सेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं यहां पर पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूं, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर आई शेडो को अप्लाई करने जा रही हूं, और जब भी आप आई शेडो को अप्लाई करें तो आपके पास कुछ इस तरह से एक ब्रश होना चाहिए। स्मॉल फ्लफी ब्रश ले रही हूं मैं यहां पर, आप देख सकते हो, और इसके ब्रिसल्स भी काफी सॉफ्ट है। ये स्किन प्लस के ब्रशेज हैं, इनका रिव्यू भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप एक बार मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इन ब्रशेज की परचेज लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। और ये ब्रशेज बहुत ही ज्यादा मुझे अफोर्डेबल प्राइस पर मिल गए थे, और ये मुझे 2 साल हो गए हैं इस ब्रश को यूज करते हुए, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं ब्रश। और इसके जो ब्रिसल्स है ना, ये भी नहीं निकले हैं अभी तक, तो काफी अच्छे ब्रशेज हैं ये। तो मैं यहां पर इस आई शेडो पैलेट की हेल्प से ये मेकअप लुक करने जा रही हूं, और ये मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी के ऑब्सेशन पैलेट से, लाइट बेबी पिंक शेड है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो इस शेड को मैं थोड़ा सा लूंगी और अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। और क्रीज लाइन कौन सी होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम अपनी आईज को ओपन करते हैं तो आपको ये जो आईज के पास ये एक लाइन दिख रही होगी, ये देखिए, तो इस लाइन को हम अपनी क्रीज लाइन बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपने आई शेडो को लगाना है और अच्छे से ब्लेंड करना है, और अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आई शेडो को, नहीं तो हमारा आई शेडो जो है वो खराब दिखता है। और आपने एक बार में बहुत ज्यादा आई शेडो नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से मैं दूसरे आईज पर भी लगा लूंगी। और आपके पास अगर इससे भी ज्यादा कोई लाइट शेड हो अगर, तो आप उसे भी एज अ ट्रांजिशन शेड लगा सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली आई शेडो को मैच करना था, इसलिए मैंने डबल कोट लगाया है इसका, तो आप चाहें तो सिंगल कोट भी लगा सकते हो आई शेडो का। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पर लगाने जा रही हूं अपने आउटर वी पर डार्क बरगंडी कलर का शेड, और इसके लिए आपको चाहिए एक स्मॉल इस तरह की सेट एंगुलर ब्रश चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो। तो मैं सेम पैलेट से ये बरगंडी कलर का शेड लूंगी और इसे अपने आउटर वी पर इस तरीके से लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं लगाने जा रही हूं मार्स आई शेडो पैलेट से ये शिमर शेड, ये लाइट पिंक कलर का शिमर शेड है, ये देखिए काफी पिगमेंटेड है, ये देखिए। आपके पास जो भी शिमर शेड हो लाइट पिंक कलर में वो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसे मैं इनर कॉर्नर में और हाफ आईलिड पर लगा लूंगी। स्टेप में मैं यहां पर लगाने जा रही हूं लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर, आप चाहें तो कोई भी लिक्विड आईलाइनर या फिर जेल आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखिए यहां पर मैंने आईलाइनर को लगा लिया है। एक चीज और आपको मैं यहां पर बताना चाहती हूं, अगर आपको फॉल्स लैशेस लगानी आती है अच्छे से तो आप वो भी लगा सकते हो। और मैं यहां पर मस्कारा के साथ इस लुक को कंप्लीट करती हूं। और लोअर लैश लाइन पर भी मैं यहां पर लगाने जा रही हूं सेम पिंक कलर जो कि मैंने अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई किया था। और इसके लिए आपको लेना है ये स्मॉल पेंसिल ब्रश, ये आप देख सकते हो, इसकी हेल्प से आपकी लोअर लैश लाइन पर भी ये आई शेडो आराम से लग जाएगा। थोड़ा सा आपने इसे ब्लेंड भी कर लेना है। इसके बाद मैं यहां पर लगाने जा रही हूं बेबलिन की काजल। हाइलाइटर में यहां पर लगा रही हूं शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर, आपके पास जो भी हाइलाइटर हो वो आप लगा सकते हो। और एक चीज और बता दूं दोस्तों कि आपको हाइलाइटर लगाना है इनर कॉर्नर्स में और अपनी ब्रो बोन पर कुछ इस तरह से,
और इस हाईलाइटर को मैंने इसी सेम पेंसिल ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। इससे हाईलाइटर बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है और हाईलाइटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। बस ये होता है कि हाईलाइटर से हमारा जो आई मेकअप लुक है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। सो एंड में मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों, इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे आई मेकअप लुक शेयर किए हुए हैं और फेस मेकअप लुक भी शेयर किए हुए हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और कुछ लेटेस्ट वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सो यहां पर मेरा आई मेकअप डन होता है, ये आप देख सकते हो कम्प्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो और आपको मैंने जो भी आज यहाँ पर टिप्स दिए हैं आई मेकअप के तो आपको अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपका मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।